इसलिए समय मैं डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर का पार्ट नंबर एक बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ, शो कर चुका हूँ। अब मैं आपको पार्ट नंबर सेकंड सिखाना चाहता हूँ वैदिक गणित से, पर मैं इस बार साधारण गणित नहीं करूँगा, केवल और केवल वैदिक द्वारा ही सिखाऊंगा। पिछले समय आपके मन में शंका थी, इसलिए मैंने साधारण विधि द्वारा भी सिखाया, पर अब केवल मैं वैदिक गणित द्वारा ही समझाऊंगा। तो अब आप हमें एक एग्जाम्पल हम बड़े आराम से तैयार कर लेंगे। मैंने 7 एक्स की पावर 6 लिखा, माइनस का 4 एक्स की पावर 4 लिखा, प्लस का 8 एक्स क्यूब लिखा, राइटिंग किया, माइनस का 7 एक्स लिखा, प्लस का 5 इज डिवाइजर बाय एक्स माइनस 2। डिविडेंड क्या है? 7 एक्स की पावर 6 माइनस 4 एक्स की पावर 4 प्लस 8 एक्स क्यूब माइनस 7 एक्स प्लस 5, एंड डिवाइजर करना है एक्स माइनस 2 से। तो सबसे पहले हम डिवाइजर को इस तरफ राइट हैंड तरफ लिख देते हैं और इसे इक्वलेंट कर देते शून्य के, तो एक्स बराबर हमें प्राप्त होगा 2। तो एक्स बराबर 2 प्राप्त हुआ है, इसे मैं रेड के से अंडरलाइन कर देता हूं या मार्किंग कर देता हूं। अब मैं डिजिट लिखूंगा डिविडेंड के। डिविडेंड में एक्स की पावर 6 का कोफिशिएंट 7 है। आप देख रहे हैं कि 5 पावर तो है ही नहीं, 6 के बाद 5 आना चाहिए, तो 5 पावर तो नहीं है, तो फिर उसका कोफिशिएंट हम 0 लिखेंगे, क्योंकि यहां पर हियर 5 पावर नहीं है, इसलिए इसका कोफिशिएंट 0 लिखना अत्यंत आवश्यक है। अब 5 के बाद कितनी पावर आती है? 4। तो 4 पावर आती है, तो उसका कोफिशिएंट हमारे पास मौजूद है, माइनस का 4 है, क्यूब का भी है 8 है। इसके बाद पुनः देख रहे हैं स्क्वायर का तो कोई है ही नहीं वहां पर, क्यूब के बाद x आ गया है, तो स्क्वायर का हम क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि स्क्वायर नहीं है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, इसलिए वहां से भाग गया, हो भगोड़ा हो गया, गोइंग हो गया है। तो इसके बाद फिर हमने x का गुणांक माइनस 7 लिखा, और लास्ट डिजिट है आपका कांस्टेंट वाला 5 लिखा। बार वापस समझते हैं हम लोग इसको, ध्यान दीजिए, एक्स क्यूब एक्स की पावर 6 का कोफिशिएंट 7 है, एक्स की 5 यहां हियर है नहीं, इसलिए उसका कोफिशिएंट 0 लिखा, एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट माइनस 4 लिखा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 8 लिखा। अब एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर का नंबर आना चाहिए, पर एक्स स्क्वायर यहां पर अननोन है, गायब है, रिमूव है, तो उसका कोफिशिएंट अपन ने 0 लिखा, एक्स का कोफिशिएंट माइनस 7 लिखा, और एक्स की पावर 0 का मतलब कांस्टेंट टर्म 5 लिखा। अब यहां पर फिर वही पहला डिजिट
आपका सेवन है। इस सेवन का इस टू में मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन करा तो ये हो गया 14, और इसे ऐड करना है तो अब जीरो ऐड करेंगे तो आप कहेंगे सर 14 ही आया है। अब 14 एक न्यू डिजिट आया है, अब इस न्यू डिजिट का फिर से डिवाइजर डिजिट में मतलब टू में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह हो जाएगा 28। अब इसमें प्लस करना है, ये प्लस है ऊपर माइनस है तो ये हुआ है 24। अब 24 में फिर टू का हमें इस 24 में इस डिवाइजर अंक का गुणा करना है, इसमें करना है 24 का टू में कितना आया है, ये हो गए हैं 48 हो गए हैं। अब 48 में एक जोड़ेंगे तो ये 56 हो जाएगा, और 56 अब न्यू डिजिट हुआ है। अब 56 में फिर से डिवाइजर, 56 में डिवाइजर अंक 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये हो जाएगा 112 हो गया, तो इस स्थान पर 112 हो गया। मैंने आपसे इसलिए कहा कि इनके बीच में डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा रखें, देखिए ये जीरो बिल्कुल नजदीक आ गया, डिस्टेंस इनका जरा दूरी बना के रखना चाहिए ताकि समझने में आसानी हो। ये प्लस लगाया तो यहाँ प्लस का चिन्ह आपको कुछ और नजर ना आ जाए इसलिए प्लस दूर लिख दिया, जोड़ लगाया 112 हुआ। अब 112 में हम नया डिजिट आया 112 में तो हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये हो गया है 4, ये हो गया है 2, ये हो गया है 2, मतलब 224 आपका हो गया है। अब इसे ऐड करना है तो ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, और यह 9 हो गया है। 2 माइनस सेवन, देखिए -5 का ये जो है हमारा 5 थोड़ा दूर लिखना पड़ेगा, हम यहाँ पर -7 करना चाहते हैं तो इसलिए मैं कहता हूँ कि डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा रखें कि कभी डिजिट बड़े आ सकते हैं, इसलिए 5 को मैंने दूर हटाया और इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर हटा देता हूँ डिवाइजर अंक एक्स बराबर, ताकि समझने में प्रॉब्लम ना हो, तो एक्स -2 था बराबर 0, तो एक्स बराबर 2, तो यहाँ पर हम डिजिट में मतलब यहाँ पर 7 माइनस करेंगे तो 7 जब माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा। अब 2 7 मन में देखिए, फिर देखिए 5 बिल्कुल पास आ गया तो इसे थोड़ा सा फिर पीछे धकेल देते हैं, नहीं तो गड़बड़ होगी। अब 2 7 1 में फिर 2 का मतलब जो न्यू डिजिट प्राप्त हुआ है 2 1 7 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइजर अंक का गुणा करना है तो ये हो गया आपके 4 और 4 मतलब 4 3 4। अब ऐड करना है तो ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, जो लास्ट जो बचता है उसी को हम रिमाइंडर कहते हैं, ये रिमाइंडर रहेगा और बाकी कोसेंट बनने वाले हैं। देखिए कोसेंट क्या प्राप्त हुआ, कोसेंट और कोसेंट को हमें जनरली क्यू द्वारा व्यक्त करना चाहिए,
ये गणित का नोटेशन है कि कोसेंट की स्पेलिंग क्यू से प्रारंभ होती है, तो इसलिए क्यू द्वारा ही इसे व्यक्त करना चाहिए। आइए हम कोसेंट लिख रहे हैं, तो पहला डिजिट क्या है, 7 है, पावर कितनी है, 6 है, एक डिक्रीज करना है, मतलब यहाँ 7 लिखा और एक्स की पावर हमने 5 लिखी। नेक्स्ट डिजिट आपका यहाँ पर 14 है, तो 14 लिखा, अब 5 में से एक और डिक्रीज कर दीजिए, तो ये 4 पावर हो गई। नेक्स्ट डिजिट क्या है, 24 है, आप एक पावर और डिक्रीज कर दीजिए, यह क्यूब हो गया। इसके बाद क्या लिखा है, 56, आप 56 लिख दीजिए और एक पावर और डिक्रीज कर दीजिए, तो यह एक्स स्क्वायर हो गया। इसके बाद क्या लिखा है, अगला डिजिट 112, एक पावर डिजिट कर दीजिए, एक्स लिखा, फिर प्लस का 217, इसी के साथ यहाँ पर प्लस का, क्योंकि उधर प्लस नहीं बचा इसलिए मैंने 217 लिख दिया। अब लास्ट डिजिट जो देख रहे हैं वो 43 आपका 9 है, वो 439 कौन है, वो रिमाइंडर है, रिमाइंडर जिसे हम आर द्वारा व्यक्त करते हैं, क्योंकि रिमाइंडर की स्पेलिंग आर से होती है, तो रिमाइंडर यहां पर जो आ रहा है वह कितना आ रहा है, 439। इसे मैं अलग से बंद कर देता हूं ताकि यहां पर इसमें मिक्सिंग ना हो जाए, कंफ्यूज ना हो जाए। ये कोसेंट का हिस्सा 217 कोसेंट का ही हिस्सा है, चाहे तो आप इसे घर पर साधारण विधि लगाकर चेक कर सकते हैं। वैदिक गणित कभी गलत नहीं होता, हमारे ऋषि मुनियों की पुरानी देन है। इस देन को मैं लेकर आपके सामने आया हूँ, इससे हर क्लास का फायदा होना है, हर एक विद्यार्थी का फायदा होना है, हर एक शिक्षक का फायदा होना है, सीखने वाले का भी फायदा होना है, सिखाने वाले का भी फायदा होना है। हम कुछ लाभांश ही प्राप्त करने जा रहे हैं। ये वीडियो कैसा लगा, इसे सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने की कहिए, उन्हें निवेदन कीजिए इसकी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।